हेलो हेलो, चलो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली दिल्ली सल्तनत अप्लीकेशन नहीं, नया टॉपिक तो अप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने प्रीवियसली थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं। अब बस थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में नहीं भी पढ़ना है कोई चैप्टर डिटेल में नहीं, तो जहाँ पे हमारा 6 7 3 प्लस 6 7 3 प्लस हमने इतना पढ़ा है उससे थोड़ा सा आगे का दिया हुआ है ना, तो वही उसी लाइन में हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बाय द 10th एंड 11th सेंचुरीज न्यूमरस स्मॉल किंगडम्स हैड एमर्ज इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कह रहे 10th और 11th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे किंगडम्स थे जो एमर्ज हो चुके थे नॉर्थ इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था ही नहीं वहाँ पे। दिस किंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हुई तो अलग अलग जगह पर होते ही नहीं, प्रत्येक जगह पर होता किंगडम, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। दिस किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ये दो किंगडम से ये आपस में लोगों के बहुत मतभेद थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग विक्ट्रीज ऑफ द टर्क हु बिगेन देयर कंक्वेस्ट इन द 11th एंड 12th सेंचुरीज। हाउएवर देयर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 13th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट ने लिखी हुई है, हम कहते हैं ना हमारे पास टर्कियों का अटैक हुआ, उसकी रीज़न भी तो हम ही लोग हैं। हम लोगों के अंदर कोई यूनिटी थी ही नहीं, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी यूनिटी थी नहीं, जिस वजह से वो लोग सक्सेसफुल रहे अपने क्या कहते हैं अपना कंट्रोल हमारे पर करने के लिए, वो हमारे पर इतने सारे कंट्रोल कर पाए। हमें ब्रिटिशर्स का कंट्रोल याद रहता है कि उन्होंने 100 150 साल हमारे पास कंट्रोल किया, लेकिन हम भूल गए कि ये जो टर्किस हैं, ये जो लोग हैं बाहर के इन्वेडर, इन्होंने तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा, अंग्रेजों के 100 to 150 ईयर्स ही कंट्रोल किया। 150 ईयर्स मानो 1860 से 1850 47 में चले गए, ठीक है, 150 साल ही ऑलमोस्ट उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन इन लोगों ने, ये जो बाहर के जो इन्वेडर थे, इन्होंने तो 600 700 साल वो क्या है हमारे ऊपर कंट्रोल, इनका किसको याद नहीं रहता है। और उसका रीज़न हम ही थे, दोनों बार हम ही, हमारे ही रीज़न थी कि हम लोगों में यूनिटी नहीं थी। दिस पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526 व्हेन 5 डायनेस्टी सक्सेसफुली रूल्ड फ्रॉम दिल्ली इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन 300 सालों में, इन 320 सालों के अंदर 5 डायनेस्टी जो सक्सेसिवली दिल्ली में रूल कर चुकी हैं, इन्हीं 500 डायनेस्टी के जो पीरियड है, इन 500 डायनेस्टियों का जो पीरियड माना जाता है कलेक्टिवली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पीरियड में इनका रूल रहा, उनको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। उसको क्या बोलते हैं इस पीरियड को? दिल्ली सल्तनत, पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया इन 300 सालों में, इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। इट वॉज सो बिकॉज द रूलर्स ऑफ वेरियस डायनेस्टीज विच रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट दिल्ली वर कॉल्ड द सुल्तान। सर इनको सल्तनत क्यों नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत? इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी डायनेस्टीज में कुछ ऐसा था कि कुछ जो रूलर्स होते ना, रूलर्स थे बहुत सारे डायनेस्टीज में जो अपने कैपिटल को दिल्ली से कंट्रोल करते थे, तो दिल्ली नाम तो यहाँ से आ गया। फिर वो जो करते थे ना, उन रूलर्स को सुल्तान कह देते, क्या कहते थे? सुल्तान। तो सुल्तान से एक वर्ड आ गया सल्तनत। आप देखो तो यहाँ तक ये वर्ड सुल्तान ही है, ठीक है, तो यहाँ से वर्ड आ गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? हो रही है। सोर्सेस, देर आर अ नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट हिस्ट्रीज, क्रॉनिकल्स, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स एंड प्राइवेट करेस्पॉन्डेंस विच प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। बोला दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो हमें मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है? बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स हैं उन टाइम के लोगों के लिखे हुए, बायोग्राफीज उन लोगों की, ऑटोबायोग्राफीज उन लोगों की, कोर्ट हिस्ट्री उस टाइम पे जो थी वो है, क्रॉनिकल्स, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट, प्राइवेट करस्पॉन्डेंस, सब चीज़ें हमारे पास, और उनसे उनकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं दोबारा से। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और दिल्ली सल्तनत
पता ही होगा, मतलब पुराने टाइम के लोगों को कितने अच्छा लगता था ये इंस्क्राइब कराना अपनी इंफॉर्मेशन को, तो उनसे इंस्क्रिप्शन से हमें काफी पता चलता है। इंस्क्रिप्शन आर द वैल्यूएबल सप्लीमेंट। इंस्क्रिप्शन क्या है? बहुत वैल्यूएबल सप्लीमेंट एंड नॉट द सोल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द दिल्ली सुल्तान। केवल सोर्स नहीं है ये एक सप्लीमेंट है। ये क्या है? सप्लीमेंट, ठीक है, आप बॉन्ड समझते होंगे ओरिजिनल शीट को और सप्लीमेंट का, ठीक है, तो एक सप्लीमेंट है केवल। ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, केवल सप्लीमेंट है। द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन कॉइन्स, मॉन्यूमेंट, माइलस्टोन्स एंड टोमस्टोन्स, ठीक है। सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, सम इन अरेबिक एंड सम इन बोथ द लैंग्वेजेस। वो कहते थे कुछ तो इनमें से जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, उसको संस्कृत में होते थे, कुछ अरेबिक में होते थे, कुछ दोनों में होते थे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कॉइन इशूड बाई मोहम्मद बख्तियार खिलजी। पहला कॉइन जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने जो इशू किया था, उसके अंदर अरेबिक और संस्कृत इंस्क्रिप्शन दोनों थे। सिमिलरली द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता नोटिस्ड अ कमेमोरेटिव, मतलब सेलिब्रेट करने लायक एक यादगार इंस्क्रिप्शन जामा मस्जिद। उन्होंने एक यादगार इंस्क्रिप्शन जामा मस्जिद में नोटिस किया बिछी डेसीवर्ड, जो कि उन्होंने बाद में पढ़ा। सर किस लैंग्वेज में था पता नहीं, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। फिर कह रहा है मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स भी रोमन पीरियड में काफ़ी पता चलता है। ये मेरे को बताने की जरूरत है या ये ना पता चलता है? आप भी आप जाओगे किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने के लिए, तो वहाँ जो मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं, कोई स्पेसिफिक रूम है तो उसके बाहर मॉन्यूमेंट्स लिखा होता है कि ये इसका रूम है, ये उसका रूम है, इन्होंने ये क्या वो किया, इस ईयर में ये बना, पता चलती नहीं चलती है। तो उन्हीं की बात कर रहा है कि मॉन्यूमेंट्स भी काफ़ी बताते हैं। द रूलर्स ऑफ डेली, द रूलर्स ऑफ डेली सल्तनत बिल्ट मैनी मॉन्यूमेंट्स विच रिवील नॉट ओनली द कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ पीरियड बट ऑल्सो द लिविंग कंडीशन, फेथ्स एंड बिलीफ्स एंड सोशल कल्चरल आउटलुक ऑफ द रूलर्स, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स इज कुतुब मीनार इन डेली। सबसे सर जो डेली सल्तनत की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक आती है, मॉन्यूमेंट्स में से एक आता है, तो वो आता है कुतुब मीनार, ठीक है। पढ़ते हैं कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा। इट वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लिखा हुआ है? इट वॉज बिल्ट बाय स्टार्टेड बाय इसको बनवाने का काम तो शुरू करवाया गया था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया गया था। एंड वॉज डेडिकेटेड, नहीं ये अभी पूरा नहीं है, पढ़ते ज़रा। हाँ पूरा ही है। इसको जो काम बनवाने का स्टार्ट किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, इसलिए उसको कुतुब मीनार बोलते हैं, कि जिसको बनाने वाला था वो कुतुब थे, ठीक है। डेडिकेटेड टू द सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये खुश एक संत थे उस टाइम के, उनको ये डेडिकेट करना चाहते थे कि उनके लिए ये बना रहे थे। हु वॉज ग्रेटली वेनरेटेड बाय द पीपल ऑफ डेली, जिनके डेली के लोग काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन सर स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो उसको ख़त्म किसने कराया? इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। दो नाम आपके हैं, ये दो नाम आपको याद रखने हैं कुतुब मीनार से रिलेटेड। इट्स स्पेशल फीचर्स है सर, स्पेशल फीचर्स क्या हैं इसके कुतुब मीनार के? व्हेन ओरिजिनली कंप्लीटेड, जब ये ओरिजिनली बना था, इट रोज टू हाइट ऑफ केवल 71.4 मीटर विद फोर स्टोरेज, है ना, चार मंजिल का था केवल ये। द टावर वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन 1369 में बिजली के गिरने की वजह से थोड़ा डैमेज हो गया टावर। एंड इन द कोर्स ऑफ रिपेयर्स, और जब इसको बाद में बनाया गया, रिनोवेट कराया गया, तो फेरोज शाह तुगलक ने इसकी हाइट द्वार से बढ़वा दी। हाइट कैसे बढ़वा दी? मतलब और बनवा दिया ऊपर। देखो अगर आप देखो तो आप कह सकते हो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, अब बाद में शायद फिफ्थ, थोड़ी सी बढ़वा दी है ना, स्टार्टिंग में फोर ही थी। इट हैज़ फाइव स्टोरीज टेपरिंग एज दिस असेंट। अब पाँच हैं, अब कितनी मंजिल हैं इसमें? पाँच, पहले चार थे अब फाइव हैं, ठीक है। ईच स्टोरी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय प्रोजेक्टिंग बालकनीज, हर अलग अलग हर किसी को अलग अलग किया गया, यहाँ पे बालकनीज हैं, ठीक है। द एंट्रेंस थ्रू द डोरवे ऑन द नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ की साइड में यहाँ पे गेटवे है, वहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है, कुछ जगह नहीं है यहाँ पे एंटर करने का। द मीनार रीजन ऑफ सर्कुलर टावर, एकदम सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल, अबाउट 13.8 मीटर इन डायमीटर, का डायमीटर जो है 13.8 मीटर है। एट द बेस ऑब्वियस होता तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ का बेस
ऊपर का भी थोड़ा कम कम होता जा रहा है ना। एंड टेपस द विथ ऑफ अराउंड 3 मीटर से दिस समिट, और ऊपर की तरफ जो रह गया वो केवल कितना रह गया, 13 से 3 के, और 13 से 3। इट हैज अ सर्कुलर स्टेयरवे ऑफ 379 स्टेप्स लीडिंग टू द, ओहो टोटल कितनी सीढ़ियां हैं यहाँ पे, मतलब कितने स्टेप्स लगा के अपन सीढ़ियों पर चढ़ जाओगे। तो देखो तो नंबर ऑफ स्टेट्स में कितनी है, 379, और 379 स्टेट्स को चढ़ के आप तब तक पहुंच जाओगे सर। 379 थक नहीं जाएंगे आज के टाइम पे, लोग थक जाएंगे, उस टाइम पे लोग नहीं थकते थे। रेड सैंडस्टोन मार्बल एंड ग्रे क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट वर यूज टू कंस्ट्रक्ट द टावर, ठीक है। तो पत्थरों के बता रहे हैं, ये सब जो टावर है तो प्रोजेक्टिंग बालकनी, हर किसी के पास बाहर से दिखाई देने वाली एकदम से बालकनी है। दिस बालकनी आर सपोर्टेड इन सच अ वे दैट अ होल स्ट्रक्चर टेक्स द लोड ऑफ वेट, हर एक तरह से बनी हुई है, मतलब इन बालकनी को इस तरह से सपोर्ट दिया गया है कि जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना वो खुद ब खुद अपने वेट का लोड ले लेता है। नो वंडर दैट सच एन ओल्ड बिल्डिंग हैज लास्टेड सो मेनी सेंचुरीज, वो कह रहा है कोई वंडर करने बात नहीं है, कोई वंडर करने वाली बात नहीं है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग सर, कितनी पुरानी सर, ओरिजिनली कब बनी, ये डेट तो यहाँ पे नहीं दी है, बस इतना पता है कि 1369 में इसकी रिपेयरिंग बुक करना स्टार्ट हुई 1369 में। तब से भी देखोगे तो 700 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 700 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग अभी भी है ना। तो कोई डाउट वाली बात नहीं, हमारे पास ताजमहल भी है, हमारे पास पुरानी चीज़ों में और भी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी है, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं है ना। वर्सेस फ्रॉम होली कुरान, वर्सेस फ्रॉम होली कुरान एंड सम इलिकेट कार्विंग्स विद फ्लोरल मोटिव्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द टावर, वो कह रहे हैं कि इनका जो होली ग्रंथ है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है द होली कुरान, अधूरा नाम कभी लेते नहीं है ठीक है, ग्रंथों का पूरा नाम लेते हैं द होली कुरान। में कुछ अच्छे अच्छे वर्सेस हैं जो इन लोगों को अच्छे लगते हैं, उन्होंने वो वहाँ पर कार्व करा है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इंस्क्राइब कराए टावर में। सब 5 डायनेस्टीज हमने पढ़ी थी, 5 डायनेस्टीज के बारे में ज़रा देखते हैं। आपके यहाँ बहुत छोटा है, मतलब इस चैप्टर में मैं देखूँ तो कितने पेज का दिया हुआ है, चार पेज में एक 5 डायनेस्टी आई थिंक खत्म कर दी है ना। हाँ पर अगर आप 8th क्लास में अगर आपकी ये बुक रही होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि सर ये तो मतलब बहुत कम दिया है, बहुत कम। इसमें 7th में ये देखो दिल्ली सल्तनत है, ये भी इसमें भी सारी डायनेस्टीज हैं। ग्यारह पेज में यहाँ से डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, 11 पेज से, 11th पेज से, वो भी तब एक चैप्टर का पार्ट बना है ये तब। तो आपको तो बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्ट है ना, बहुत शॉर्ट। इसको अच्छा भी कह सकते हैं अगर नॉलेज की बात की जाए तो, अगर आपको पढ़ना याद नहीं है तो थोड़ा बेकार है, बट हाँ याद करने के साथ देखा तो हमारा सिलेबस बहुत कम हो गया फिर से। तो पांच देर और 5 डायनेस्टीज, देर वर 5 डायनेस्टीज, पहली द स्लेव डायनेस्टी, सर इसको स्लेव क्यों कहा गया ये भी बताएंगे, वैसे आपने पढ़ा होगा। द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टीज, ये 5 तरह की डायनेस्टी थी, 1 2 3 4 5 है। हाँ सर पहली बार हमारे इंडिया में अटैक किसने किया, यह ईयर 1100 की, 11th सेंचुरी की बात है। पृथ्वीराज चौहान, अगर आपने कभी नाम सुना हो,
एक राजपूत रूलर, एक्चुअली इनके साथ भी आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, मतलब इनके जो ये जो हारे थे ना इन टर्किस से, वो से नहीं हारे थे कि पृथ्वीराज चौहान वीक थे ना, बस ये हारे थे उनके जो ससुर थे उन्होंने इनकी एनिमी की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। सर ये का लिखा है, हाँ ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, पर ये फैक्ट है। ये बात है 11,192 की, द फर्स्ट टाइम ही था, नहीं सेकंड टाइम था, 11,008 में, हाँ 11,008 में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर 11,008 में पहली बार मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, ठीक है, टर्की के रहने वाले थे पृथ्वीराज चौहान, अपने भारत के अनडिवाइडेड इंडिया जिसको कहते हैं हम, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह से इनको डिफीट किया, बहुत बुरी तरह से, और इनको भगा दिया, इनको भगा दिया, ठीक है। अब ये बैटल तो जीत चुके थे, या फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के पार्टनर थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनके दोस्त थे बेसिकली, ठीक है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनकी बेटी को इनसे प्यार हो गया, हाँ पृथ्वीराज चौहान के जो दोस्त थे उनकी बेटी को इनसे प्यार हो गया, उन्होंने लेटर लिखा कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम के रूलर थे तो उन लोगों का ये रहता था कि मतलब अगर आप किसी ने हमें हेल्प के लिए बुलाया तो हम जाएंगे जाएंगे, तो उनको उनकी शादी के मंडप से उठा लाए पृथ्वीराज चौहान, जिससे इनके दोस्त को थोड़ी आगे गुस्सा, जिससे इनके दोस्त को आगे क्या गुस्सा, तो उन्होंने क्योंकि वो इनके दोस्त थे उनको पृथ्वीराज चौहान की सारी स्ट्रेटेजी, सारी वीक पॉइंट, सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब बता पता थे, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट जाकर मोहम्मद गौरी को बता दिए। अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की स्ट्रेंथ भी जानता है, वीकनेस भी जानता है, सारी स्ट्रेटेजी भी जानता है, तो उसके लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना क्या हुआ काफ़ी ईजी, और बाद में सेकेंड टाइम जब वो आया तो पूरी प्लानिंग करके पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट आया, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया, ये बेसिकली रीजन है, अदरवाइज पृथ्वीराज चौहान बहुत ब्रेव थे, बहुत मतलब अच्छे फाइटर थे, अच्छे रूलर थे, अच्छे वॉरियर थे, इनको हराना कोई इजी काम नहीं था, बस इनके जो वीकनेस और किसी में होती है तो इनकी वीकनेस बस इनके एनिमी के पास आ गई कि दोस्त की वजह से, तो मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट सेकेंड बैटल ऑफ तेरान, तेरेन तेहरेन तो नहीं बोलेंगे, तेरेन ही बोलो, इन 1192। इस वजह से पहली बार मुसलमान कहो चाहे उनको कुछ और कहो, इन लोगों का हमारे यहाँ पहली बार इंडिया में किसी का अटैक हुआ था पहली बार, जहाँ तक हमने हिस्ट्री पढ़ी उसमें तो ये बताया था कि 1192 में, ठीक है, एट द सेकेंड बैटल ऑफ तेरान इन 1192 दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ दीज रूलर्स लेटर, सो बाद में दिल्ली का जो कंट्रोल था वो इन रूलर्स के हवाले कर देगा, सब बहुत शॉर्ट में दिया हुआ, फ्रॉम दिल्ली द टर्किश रूल वॉज एक्सटेंडेड टू द गैंगेटिक प्लेन, टर्किशों ने केवल नहीं कि दिल्ली दिल्ली पे काम किया हो, कंट्रोल किया, उन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स बिहार बंगाल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। विक्टोरियस ट्रक बिफोर लीविंग फॉर अफगानिस्तान लेफ्ट बिहाइंड अ स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ वाइसरॉय ऑफ द कंक्वेरर्ड लैंड, जब टर्किस लोग वापस जा रहे थे अपने अफगानिस्तान, जब टर्किस लोग बाहर जा वापस अपने अफगानिस्तान जा रहे थे बैटल जीतने के बाद, है ना, तो उन्होंने अपने गुलाम को, हाँ एक गुलाम था इनका गुलाम, इन्होंने एक अपने गुलाम को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उन्होंने अपने आर्मी का जनरल बनाया था, और जनरल बनाया तो बाद में बैटल वगैरह होते थे, तो अपने एक गुलाम को जो कि उस टाइम पर उनकी आर्मी का जनरल था उसको ये इस कनकोर्ड लैंड का यानी इंडिया में जो जो जगह जीतते उन सभी का इसको वाइस रॉय उत्तराधिकारी बना गए कि आज से ये इंडिया तुम्हारा, आज से इस पे है रूल कौन करेगा तुम, यानी कि आप देख रहे हो कि हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, एक स्लेव, कौन करता है एक स्लेव, इसी वजह से इस पीरियड को इस डायनेस्टी को बोलेगा स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पर जो रूलर थे ना वो खुद स्लेव थे किसी और के,
यहाँ पर जो इंडिया के जो रूलर्स थे वो खुद स्लेव थे किसी और। यहाँ पे जो इंडिया में अब जो रूल कर रहा था वो कौन करता? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन खुद क्या था? एक स्लेव था, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोला गया। जो पहले डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम। देखो सीधे उन्होंने खुद वो डायनेस्टी उन्हें दी है, उन्होंने ऐसे स्टार्ट कर डाले। अच्छा ऊपर स्टार्ट कर दिया ना, चलो ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ऑब्वियस याद है कि पहले जो रूलर थे इस डायनेस्टी को, यही थे, इसलिए उनको फाउंडर भी कहा जाता है। द अर्ली रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर कॉल्ड द ममलुक सुल्तान। सर इनसे पहले जो सुल्तान होते थे उनको क्या कहते थे? उनको ममलुक कहते थे, लेकिन इनके बाद उनका नाम पड़ गया स्लेव डायनेस्टी, है ना। इनसे पहले के जो रूलर्स होते थे डायनेस्टी उनको ममलुक सुल्तान कहते थे। द वर्ड ममलुक इज एन अरेबिक वर्ड। ये जो ममलुक एक अरेबिक वर्ड है, इसका मीन होता है ओन, यानी खुद के सुल्तान, खुद के। ये जो सुल्तान है खुद के सुल्तान है ये। सिंस दिस सुल्तान्स वर अर्लियर आइदर द स्लेव्स ऑफ द अर्थ और वर द सन्स ऑफ स्लेव, दे वर कॉल्ड ममलुक सुल्तान। ऊंट। अच्छा यहाँ पे ऊंट मतलब खुद नहीं, ऊंट मतलब इसको खरीदा गया, जिसको खरीदा गया बेसिकली, है ना। तो वो कह रहे थे इस पीरियड में ना, पता है क्या रहा है इस पीरियड में, या तो जो रूलर होते थे, जो सुल्तान होते थे जिसको रूलर ही बोलते हैं, वो या तो खुद स्लेव होते थे इन टर्कियों के, या फिर इन स्लेव्स के सन होते थे। तो इसलिए इनको ममलुक सुल्तान या फिर ममलुक सुल्तान, और इस पीरियड को स्लेव डायनेस्टी बोला गया। तो कंप्लीट इस मास्टर्स वर्क, अपने मास्टर का, मास्टर ना जिसने इसको खरीदा था, उसका काम पूरा करने के लिए कुतुबुद्दीन एम्पायर पर ऑन अ सीरीज ऑफ कंक्वेस्ट, बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और जीती भी। कंक्वेस्ट मतलब लड़ाई जीतना, ठीक है, तो लड़ाई लड़ी होंगी तभी तो जीतेगा। एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ कलेंजर इन बुंदेलखंड, और एक बुंदेलखंड में भी कलेंजर नाम का एक फोर्ट है, उसको अपने कंट्रोल में लिया। एंड अनहिलवाड़ा जो कि सोलन की उस टाइम की जगह होती थी, उसकी कैपिटल इन गुजरात, इनको अपने कंट्रोल में भी किया। बिसाइड्स बींग अ ब्रेव, ब्रेव होने के साथ साथ एंड कैपेबल मिलिट्री जनरल, एक अच्छे जनरल भी थे ये। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब बहुत मैन ऑफ लेटर्स, मतलब काफी इंटेलिजेंट, है ना, वाइस पर्सन, वाइस पर्सन आप कह सकते हो। स्कॉलर्स लाइक, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। स्कॉलर्स लाइक हसन निजामी, फखरे मुदीर, अडोनिस कोट, वो लोग इनकी सराहना करते थे, यानी वो मतलब इनके कोर्ट में आते थे तो उनको लगता था कि हम किसी सही जगह पर आए। बिकॉज ऑफ लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ही अर्न द टाइटल ऑफ लखवक्ष। सर ये बहुत ज़्यादा पैसा लोगों में दान कर देते थे, इनको लखवक्ष भी बोला गया। लखवक्ष मतलब लाखों रुपये, बख्शिश में, बख्शिश मतलब क्या, फ्री में लोगों को डोनेट कर देते थे, इनको लखवक्ष भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने स्टार्टिंग कराई थी कुतुब मीनार की दिल्ली में बनाने की, आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दिस वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं। इन 1210 ऐबक डेड। ओके सर, इससे पता चला 1210 में इनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने जो इनका काम स्टार्ट कराया होगा वो 1210 से पहले कराया होगा, यानी 7 साल नहीं 8 साल पुरानी है कम से कम ये है। डाइड ऑफ सडन फॉल फ्रॉम हॉर्स। हाँ इनकी डेथ कोई ऐसे नहीं हुई किसी ने इनको डिफीट किया था ना, इनकी तो डेथ हुई एक सडन डेथ थी। सडन डेथ क्या, ये पता नहीं कैसे अपने हॉर्स गिर गए, है ना। एक गेम खेलते पोलो सुना हो, घोड़े वाला हॉकी सुनना देखा हो कभी आपने, है ना। तो वो खेले तो वो खेलते खेलते अपने घोड़े से गिर गए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक सन आराम शाह हैड सक्सीडेड हिम 1218 1211, और जहाँ तक तो मुझे ध्यान है ये जो था ये माइनर था, इनके जो बेटे थे ये कहते हैं माइनर थे। सिंस आराम शाह वॉज एन इनकेपेबल रूलर, इनकेपेबल रूलर क्यों लिखा गया है? इनकेपेबल उसे लिखा गया माइनर थे, ये लिख लो कहीं पे, ये माइनर थे इनकेपेबल बिकॉज ऑफ ही वॉज माइनर, बिकॉज ही वॉज माइनर। ये उस टाइम पे जो भी एज थे सर, टाइम पे 18 ईयर जो क्रॉस कर लेते उसको मेजर बोला जाता है,
उस टाइम पर जो रूल होता होगा माइनर मेजर समझने के लिए वो होता होगा, तो उस टाइम पे माइनर थे, उस टाइम पे माइनर थे। तो इसलिए कुछ लोगों ने, जो वहाँ के वाइज लोग थे, जो उनके कोर्ट के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अभी वो अपना रूलर नहीं बना सकते, ये बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता। तो इनके जो साले थे आई थिंक सन इन लॉ दामाद, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने ये रूल किया। उन्होंने क्या किया, रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। अब इनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझाऊं। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी के नौकर थे, स्लेव वो खरीद के लाए थे, और उन्होंने इनको अपना, उन्होंने उनको एक राजा बना दिया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी ना जो इल्तुतमिश को खरीद कर लाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद कर लाए थे, यानी इल्तुतमिश कौन थे, इनके दामाद तो बाद में बने, पहले इनके गुलाम थे। अब बाद में उन्होंने इस गुलाम की शादी अपनी बेटी से करा दी और बाद में दामाद बन गए। ठीक है, तो आपका लिखा है ना द स्लेव एंड द सन इन लॉ, यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव भी थे, पहले स्लेव थे बाद में सन इन लॉ भी बन गए। इल्तुतमिश डिड नॉट कंसीडर हिज सन्स एज कैपेबल ऑफ बिकमिंग एज बिकमिंग अ सुल्तान। इल्तुतमिश को, तमिश को लगता था कि उसके बच्चे सुल्तान बनने के लायक है नहीं, तो इसलिए उन्होंने बाद में अपनी बेटी को अपना सक्सेसर बनाया। नाम तो बहुत सुना होगा अपने इनका हिस्ट्री में, रजिया सुल्तान। लेकिन काफी सारे टर्किश नोबल्स थे, लड़की कैसे राजा बन सकती है, लड़की कैसे हम पे कंट्रोल कर सकती है, ये थी। तो बाद में फिर रजिया सुल्तान को हटाकर किसी और को, उनके बेटे को ही बेसिकली, बनाउद्दीन सन को बाद में राजा सुल्तान, नया सुल्तान बनाया गया। बट मेनी टर्किश स्कॉल नॉवल्स अपोज द मूव बिकॉज दे कंसिडर इट बिलो द ट्रेडिशन, उनके ट्रेडिशन के खिलाफ था, तो भी रूल्ड बाय वुमेन कि वो एक लड़की उनको रूल करे। तो फिर बाद में क्या किया, तो तमिश ने अपने बेटे को रुकनुद्दीन को एक नया सुल्तान बनाया। बट विद इन 7 मंथ्स रुकनुद्दीन वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, लेकिन वो इनकैपेबल थे, तो उनको राज सिंहासन से हटा दिया गया। अगेन रजिया सुल्तान को पहला फर्स्ट वुमेन रूलर बनाएगा दिल्ली का इन 1236, इन 1236। ठीक है, ये हमारी एक डायनेस्टी भी कंप्लीट है, हमारी एक डायनेस्टी कंप्लीट, दूसरी डायनेस्टी कितनी बड़ी है जरा देखें, बीच में छोड़ना तो बेकार रहेगा। देखिए मेरे ख्याल से तो दूसरी डायनेस्टी दी ही नहीं है, ये एक डायनेस्टी दी है, निकली डायनेस्टी अलाउद्दीन, हाँ दी ही नहीं है उन्होंने, एक डायनेस्टी दी है। चलो फिर तो पढ़ ही लेते हैं, फिर क्या था दूसरा छोड़ना, इन्होंने ज्यादा टॉपिक दिए ही नहीं है। दो सेकंड ज्यादा मतलब थोड़ा अवॉइड करना, बाहर से साउंड आ रहा है, क्या कह देते हैं, जोर जोर से लोग बात करते हैं, कुछ कर नहीं सकते इनका। द खिलजी डायनेस्टी द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज मर्डर्ड इन 2019, मारा जो स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उनकी डेथ कब हो गई थी, 1219 में, एंड देयर अरोज अ न्यू लाइन ऑफ रूलर्स कॉल्ड खिलजीज, और नए तरह के रूलर्स आए, नए लोग रूलर्स आए, जिन्होंने एक नई डायनेस्टी बनाई खिलजी डायनेस्टी। जलाउद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी हु केम टू थ्रोन आफ्टर किलिंग द केकुबाद द लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उनको किसने मारा, जलाउद्दीन खिलजी ने, और जलाउद्दीन खिलजी ने एक नई डायनेस्टी बनाई अपनी खिलजी डायनेस्टी। फिर सर इनकी जो ही वॉज मर्डर्ड बाई नेफ्यू, इनकी डेथ इनके भतीजे ने कर दी, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में यही कौन बन गए, सुल्तान बन गए, बाद में यही कौन बन गए, सुल्तान बन गए। ठीक है, इनके भतीजे थे, ठीक है, अभी इसमें देखोगे कि ये भतीजे भी थे और इनके सन इन लॉ भी थे, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। अलाउद्दीन खिलजी की शादी जलाउद्दीन खिलजी की बेटी से हुई थी शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, नॉट श्योर, 2 साल हो गए मेरे को पढ़े हुए, 1 साल तो हो गया कम से कम। ऑन असेंडिंग द थ्रोन अलाउद्दीन हैड टू फेस अ रिबेलियन ऑफ मंगोल्स हु हैड अर्लियर सेटल्ड नियर दिल्ली। आपने मंगोल्स के आदमी को सुना हो तो, प्रिंस ऑफ पर्सिया, अगर आपने कभी सुना हो तो, पर्सियन किंग्स, पर्सियन किंग्स को बोलते थे मंगोल्स उस टाइम पे, है ना, और एक है ना, और चाइना के पास का जो इलाका है उसको मंगोल ही बोलते हैं। ठीक है, तो
उस जब अलाउद्दीन जब किंग बने तब मंगोल की तरफ से काफ़ी रिवेलियन आया जो कि उस टाइम पर दिल्ली में सेटल थे। व्हेन अलाउद्दीन हर्ड ऑफ द रिवेलियन, जब उनको पता चला रिवेलियन के बारे में, ही गॉट मैनी ऑफ द मंगोल्स मैसकर्ड। उन्होंने बहुत सारे मंगोल्स को बाहर फेंक दिया, बाहर कर दिया मतलब अपने रूलिंग एरिया से। आफ्टर दैट अलाउद्दीन कंक्वर्ड ऑल द टेरिटरीज ऑफ मालवा इंक्लूडिंग उज्जैन, धार, चंदेरी एंड मंडू। तो उनके बाद उन्होंने काफ़ी सारे इंडिया के अंदर ही काफ़ी टेरिटरीज को जीता। अब बाय 1305 अलाउद्दीन कंक्वर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया में तक उन्होंने मतलब 1305 तक उन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सारी जगह उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखी थी। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड स्टार्टेड प्लेइंग एज प्लेइंग हिज सोल्जर्स इन केयर पेइंग हिज सोल्जर्स इन केयर। अच्छा, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी एंड स्टार्टेड पेइंग हिज सोल्जर्स इन केयर। सब अपने सोल्जर्स को कैश में पैसा देते थे, कैश में ही देंगे यार, उस टाइम पे कौन सा बैंकिंग सिस्टम था। मार्केट रेगुलेशन, ओहो 2 मिनट रुको, ये बहुत जोर से आवाज़ आ रही है, गेट तो लगा हुआ है, क्या करें, गेट तो लगा हुआ है। मार्केट रेगुलेशन, चलो पढ़ते हैं अपन। मार्केट रेगुलेशन, अलाउद्दीन इज द बेस्ट नोन इन हिस्ट्री फॉर इज मार्केट रेगुलेशन। यानी अगर रेगुलेशन की बात की, मार्केट रेगुलेशन की बात की, तो अलाउद्दीन को बहुत बहुत फेमस है मतलब हिस्ट्री में। ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज सच एज फूड ग्रेन्स। उन्होंने फूड ग्रेन्स की जो कॉस्ट है उनको फिक्स किया, शुगर हुई, कुकिंग ऑयल, विभिन्न सौ की चीज़ों को फिक्स किया। फॉर दिस पर्पज ही सेट अप 3 मार्केट्स एट दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में 3 मार्केट बनाए, पहला फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा क्लोथ के लिए, तीसरा तीसरा घोड़े स्लेव और कैटल पशुओं के लिए। ईच मार्केट वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ कंट्रोल ऑफ मार्केट। एक हर मार्केट एक सेना जिसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ मार्केट एक बनाया गया। वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सर प्रेस्क्राइब फॉर चीटिंग एंड अंडर वेइंग गुड्स। ओहो, कोई भी धोखेबाजी करता है तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। डेकन एक्सपेडिशन, डेकन को जीतने के लिए जो उन्होंने किया, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी जो तो पहले सुल्तान थे, हु आफ्टर कंक्लूडिंग द बल्क ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सेंट एन एक्सपेडिशन टू डेकन अंडर मलिक कफूर। दिल्ली मतलब अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे जो उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को जीतने के बाद पहली बार एक अपनी आर्मी भेजी, एक अपनी टीम भेजी है ना डेकन को जीतने के लिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द चार्ज ऑफ मलिक कपूर। द किंगडम्स ऑफ देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र, मदुराई वर कंकॉर्ड बट नॉट अनेक्ड। इनको जीत तो लिया था लेकिन इनको भी अपने टेरिटरी में शामिल नहीं किया गया था। अलाउद्दीन डिड नॉट अनेक्ड दीज किंगडम्स फॉर 2 रीजंस। अलाउद्दीन ने इन किंगडम्स को 2 रीजंस के ऐसा अनेक्ड नहीं किया अपने यहाँ पे। फर्स्ट ही रियलाइज दैट इट वुड बी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू कंट्रोल दीज डिस्टेंट लैंड्स फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने देखा कि इन चीज़ों को दूर से कंट्रोल करना तो काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। सेकंड, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द वेल्थ। उनका जो इंटरेस्ट था वो टेरिटरीज का एक्सटेंड करना नहीं, वेल्थ एक्वायर करना था, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज ह्यूज आर्मी, अपनी आर्मी का मैनेज करने के लिए। दस द रूलर्स ऑफ डेक्कन वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ओवरलॉर्डशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू हिम। इसलिए रूलर्स को बोला गया कि हम तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तुम ही करो लेकिन हम तुम्हारे मालिक फिर भी रहेंगे, ठीक है, और तुम हमें हर साल कुछ ना कुछ पैसा दोगे, तो हमें हर साल कुछ ना कुछ दोगे। मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी, क्या उन्होंने अच्छे काम किए। देखो, व्हेन अलाउद्दीन खिलजी केम टू बी थ्रोन ही हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ रिवेल्स। ओहो, उनके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि रिवेलियन काफ़ी रिवेल हुआ था मंगोल्स का, तो उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने इन नोबल लोगों के अगेंस्ट, है ना, यहाँ पे भी इसके लिए लिखा हुआ है। द नोबल्स वर नॉट अलाउड टू होल्ड पार्टीज और फेस्टिविटीज और टू फॉर्म मैरिज अलायंस विदाउट परमिशन ऑफ सुल्तान। इन्होंने हर तरह की मतलब गेट टुगेदर पे क्या लगा दी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बिना परमिशन के गेट टुगेदर नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था कि कहीं ये लोग मिलकर आपस में कोई स्ट्रेटजी ना बनाए, कोई चालबाजी ना सोचे मेरे अगेंस्ट, है ना, इसलिए उन्होंने ये किया। दूसरा, द यूज ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट्स वाज बैंड। सब वाइन इंटॉक्सिकेंट वगैरह का जो यूज था वो बैन कर दिया गया। गैम्बलिंग वाज फॉरबिडन, गैम्बलर्स वर सिवरली पनिश्ड। ही स्टॉप्ड पेइंग द सोल्जर्स इन लैंड। उन्होंने सोल्जर्स को लैंड देना बंद कर दिया, सीधा कैश कैश दिया। ही इस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, में उन्होंने अच्छा जासूसी रखने का, नया रखने का सिस्टम तय रखा ताकि इन लोगों के अगेंस्ट क्या कर सके, अपनी उनकी एक्टिविटीज को नया रख सकें, ठीक है।
अभी इतना ही करते हैं, तो साउंड बहुत आ रहा है। ठीक है, मैं ज़रा होमवर्क पे आता हूँ, ज़रा कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ, मैं क्वेश्चन आंसर मार्क करा दूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मिलिट्री रिफॉर्म्स तो नहीं अभी है ना, तो कंक्लूड मोहम्मद बिन तुगलक, बस यही है। और एक ये वन खिलजी डायनेस्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाले लिख सकते, ये भी जस्ट पढ़ाया ही मैंने, ब्री रेफरेंस तो लेना मोहम्मद, बस यही है। ठीक है, और एक ये वाला कर सकते हो, 9 4, ये फिफ्थ वाला। ठीक है, बस यही है, बाकी मैं कल इसको ख़त्म कराता हूँ, ये साउंड बहुत आ रहा है बैकग्राउंड।